जो आप अभी मेरे काम है या सेवा में वर्क होता है और इस बनने के लिए हम करते हैं। और दूसरा, आज एक अवार्ड समारोह है, आप यहाँ पर आए हैं, इस तरह से हमें बड़ी खुशी हो रही है कि इस तरीके का जब हम किसी को भी अवार्ड मिलता है और हमारा हॉस्पिटल क्योंकि इस उत्तर भारत का बहुत ही सुंदर चिकित्सालय है और हमारे को ये अवार्ड के लिए बुलाया गया है, तो इसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। सरकार का बहुत ही अच्छा लगता है कि इस तरीके का आज लोग दवाई खा खा के बहुत दुखी हो चुके हैं और अब लोगों का रुझान प्राकृतिक चिकित्सालय की तरफ जा रहा है और सरकार का भी पूरा ध्यान फोकस इसके ऊपर है। जैसे योगा और नेचर पहनने के ऊपर अलग से एक मंत्रालय मोदी जी ने बढ़ा के और उसके लिए एक हर जगह को प्रोत्साहित किया जा रहा है और उसमें वहाँ पर कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐड कर दिया है ताकि लोग प्रोत्साहित हों और इस प्राकृतिक चिकित्सालय की तरफ बढ़े। और ये काफ़ी लोगों का रुझान हमारे इस तरीके के और भी कई हॉस्पिटल हैं, हम लोग काफ़ी बेताबी से इंतजार कर रहे हैं कि इस तरीके में हम कब जाएँ। और सबसे बड़ी बात ये अभी है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। देखो ऐसा ना जी, जब आदमी देखो सबसे ज़्यादा बीमारी है खाने पीने से, आज खान पीन इतना बेकार हो चुका है उसको खाने से बीमारी हो रही है, तो इसमें इस तरीके से खान पीन के ऊपर भी परहेज किया जाता है और सादा भोजन किस तरीके से करा जाए। और हमारे डॉक्टर लोग ये कहते हैं कि अगर आप अपने किचन को सुधार लें तो आपके परिवार को कभी कोई बीमारी नहीं हो सकती। इस तरीके का जो एक मूल मंत्र वहाँ रह के 5-7 दिन में लोगों के अंदर घर कर जाता है कि हमें क्या खाना है और क्या चीज़ नहीं खानी, तो अपने आप ही वो ठीक होगा, उसको कभी बीमारी नहीं।